हेलो स्टूडेंट्स, तो नीट के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो इसमें हम करेंगे 14 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस हैं। तो इसको शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द वॉल्यूम वी ऑफ मोनोम एटॉमिक गैस वेरीज विद इट्स टेम्परेचर एज शोन इन ग्राफ। ग्राफ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम जो वी है वो वेरी कर रहा है। वॉल्यूम वी ऑफ द मोनोटोमिक गैस वेरीज विद इट्स टेम्परेचर टी एज शोन इन द ग्राफ। तो वी और टेम्परेचर के बीच में ये ग्राफ दिया हुआ है हमें। एंड देन नेक्स्ट उसमें दे रखा है द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस टू द हीट अब्सॉर्ब्ड बाय इट व्हेन इट अंडरगोज ए चेंज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। जो गैस है वो स्टेट ए से स्टेट बी तक गई है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन वी और टी के बीच में ये ग्राफ है। तो हमें रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस टू द हीट अब्सॉर्ब्ड बाय इट की रेशियो निकालनी है। तो हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है मोनो एटॉमिक गैस। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो ध्यान से देखते हैं। गैस इज़ मोनोटोमिक। जब गैस मोनोटोमिक हो तो उसकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ इक्वल टू द 5/2 टाइम्स द गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के गैस कांस्टेंट सिंपल के करैक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के 5/2 टाइम्स होती है। सी पी इज इक्वल टू द 5/2 ऑफ द आर। तो हमें पता है वी इज़ प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर दे रखा है। वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल कब होता है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, एट कांस्टेंट प्रेशर जब प्रोसेस हो रही हो, जब प्रेशर कांस्टेंट हो। तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है। तो फॉर ए आइसोबारिक प्रोसेस हीट एडेड टू द सिस्टम इज इक्वल टू द एम सी पी डी टी, बिकॉज एट कांस्टेंट प्रेशर है तो सी पी लगाएंगे यहाँ पर एम सी पी डी टी। तो सी पी की वैल्यू पुट कर ली है, ये हमें डी क्यू की वैल्यू पता चल गई। देन नेक्स्ट हमने डी डब्ल्यू की वैल्यू रखनी है, वर्क डन बाय द गैस विच इज इक्वल टू द प्रेशर इंटू डी वी, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो इसको हम पुट करेंगे एम आर डी टी, आइडियल गैस इक्वेशन से एम इंटू आर इंटू डी टी। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस रेशो में पुट कर देते हैं डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। तो एम और आर कैंसिल हो जाएंगे, डी टी भी कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा 2/5। सो सी इज़ इट्स करेक्ट आंसर, सी इसका आंसर आ जाएगा 2/5। देन नेक्स्ट, एट वट टेम्परेचर विल द आर एम एस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स बिकम जस्ट सफिशेंट फॉर इस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ एटमोसफियर। तो कौन से टेम्परेचर पे जो ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स की आर एम एस स्पीड है वो इतनी हो जाए कि वो अपने अर्थ एटमोसफियर को इस्केप कर जाएँ, बाहर निकल जाएँ इस एटमोसफियर से। तो हमें मास ऑफ द ऑक्सीजन मोलिक्यूल दे रखा है एंड बोल्ट्समैन कांस्टेंट दे रखा है, बोल्ट्समैन कांस्टेंट दे रखा है। तो हमने ये स्पीड की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है। तो कौन से टेम्परेचर पे ऐसा होगा, तो हमें पता है वी इस्केप वेलोसिटी फॉर द अर्थ, अर्थ के लिए इस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड और 11,200 मीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। और आरएमएस वैल्यू ऑफ द मोलिक्यूल, गैस मोलिक्यूल इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ द 3 इंटू के बी टी अपॉन एम ओ टू। ये आपको फॉर्मूला याद करना है, वी आर एम एस ऑफ ए गैस मोलिक्यूल इज इक्वल टू द 3 के बी टी अपॉन एम का अंडर रूट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट कर दी और टेम्परेचर को एक साइड पे ले गए और टेम्परेचर को सोल्व किया। तो टेम्परेचर हमारे पास ये आ जाएगा, इस टेम्परेचर पे जो हमारा गैस मोलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के वो एस्केप कर जाएंगे। तो आपने इसमें कैलकुलेशन का भी थोड़ा ध्यान रखना है। कैलकुलेशन में जैसे यहाँ पर एक हमने कैलकुलेशन का स्टेप यूज़ किया है 11.2 × 11.2। जब ऐसी मल्टीप्लाइकेशन करनी है तो आपको याद रखना है कि आपको कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं होगा, 112 और 112 को 112 से मल्टीप्लाई करनी है। इसका ट्रिक ये है कि आपको पहले जितना 100 से ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है तो उसको उसमें ऐड कर लेना है। तो ये 24 हो गया, 124 और इसके साथ में 12 का स्केयर जो है वो लिख देना है और ये आ जाएगा 44521। तो 4452112544 आ गया था, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे, 125.44 आ जाएगा। तो ऐसे आपको ट्रिक्स भी साथ साथ में लर्न करने हैं। देन इसका आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट, कार्बन रेजिस्टर ऑफ 47 ± 4.7 किलो ओम इज़ टू बी मार्क्ड विद रिंग्स ऑफ डिफरेंट
कलर्स फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन द कलर कोड सिक्वेंस विल बी. तो इसके लिए आपको ये याद रखना है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट. उनके कोरस्पॉन्डिंग डिजिट और मल्टीप्लायर कौन से यूज़ करने हैं, 0 से 9 तक लिख देने हैं, और 10^0 से 10^9 तक लिख देने हैं. और गोल्ड, सिल्वर और नो कलर के लिए ये फोर्थ बैंड का कलर होता है. ये फर्स्ट टू बैंड्स का इसमें से देखते हैं, थर्ड बैंड का इसमें से देखते हैं, और फोर्थ बैंड का इधर से देखेंगे. गोल्ड के लिए +-5%, सिल्वर के लिए +-10%, और नो कलर के लिए +-20%. तो सबसे पहले इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, ओम में कन्वर्ट करते हैं. तो 47 किलो ओम था, तो इसको हम लिखेंगे 47 × 10^3 ओम. और 47 का 4.7 कितने परसेंट है, 10% है, तो +-10% लिखेंगे. दैट मीन्स 47 × 10^3 ओम +-10% इसका जो वैल्यू बन रहा है. तो इसको देख के हमने 4 के कोरस्पॉन्डिंग कलर देखते हैं. पहले 4 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा कलर है, येलो. तो फर्स्ट येलो हो गया, फर्स्ट येलो. देन 7 के कोरस्पॉन्डिंग वॉयलेट, ऑरेंज. 7 के कोरस्पॉन्डिंग वॉयलेट हो गया, और 10^3 के कोरस्पॉन्डिंग हो गया ऑरेंज, ऑरेंज कलर हो गया, और +-10% के कोरस्पॉन्डिंग हो गया सिल्वर कलर. तो ऐसे इसके ये चार कलर बन जाएंगे, येलो, वॉयलेट, ऑरेंज और सिल्वर. तो हमारा ये आंसर सही बनेगा इसमें, बी इज इट्स राइट आंसर. देन नेक्स्ट, द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज. तो एक हीट इंजन जो कि फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बीच में काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी हमने निकालनी है. तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, हीट इंजन जो एक सोर्स और सिंक के बीच में काम करता है. यहाँ पर हमें सोर्स का टेम्परेचर जो है वो दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज़ 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 373 केल्विन. एंड सिंक का टेम्परेचर जो हमें दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन. तो ये केल्विन में वैल्यूज़ आपको इसमें यूज़ करनी है. एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू दी T1 - T2 / T1 × 100. अगर परसेंटेज में निकालनी है तो 1 - T2 / T1 × 100 × 100. तो यहाँ पर हमने T1 को दोनों के बटे में यूज़ किया और 1 - T2 / T1 आ गया. तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट की और उसके बाद ये आंसर आ जाएगा हमारा 26.8%. नेक्स्ट, द बैटरी कंसिस्ट्स ऑफ ए वेरिएबल नंबर एन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स. एक बैटरी में नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो वेरी कर रहे हैं एन के अकॉर्डिंग, एन है उनका नंबर. हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस आर ईच, हर एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और उनका नंबर एन है. विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर शॉर्ट सर्किट. बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया. एंड द करंट इज आई इज मेजर्ड, विच ऑफ द ग्राफ्स शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड एन. तो सबसे पहले हम सिचुएशन समझते हैं. हमारे पास एक सेल था जिसमें के आर रेजिस्टेंस के इंटरनल रेजिस्टेंस के एन सेल्स को सीरीज में जोड़ रखा था और सबकी EMF E थी. तो करंट कितना फ्लो करेगा, टोटल EMF N into E बिकॉज सभी सेल सीरीज में हैं, और टोटल रेजिस्टेंस N into R बिकॉज सभी सेल सीरीज में हैं, उनकी रेजिस्टेंस भी ऐड होगी. तो N से N कैंसिल हो जाएगा और करंट इज इक्वल टू E बाई R. दैट मीन्स करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी N. करंट डज नॉट डिपेंड ऑन दी करंट, नॉट डिपेंड्स ऑन दी N. सो ये इसका करंट की वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगी नंबर ऑफ सेल के साथ, वो वेरी नहीं करेगी. सो थ्री आंसर इसका होगा, थर्ड इसका आंसर होगा. देन नेक्स्ट, ए सेट ऑफ एन इक्वल रेजिस्टर्स ऑफ वैल्यू आर ईच. हमारे पास एन इक्वल रेजिस्टर्स हैं और सभी की रेजिस्टेंस जो है आर है. आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर. इसको ई बैटरी से आर जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है अटैच कर दिया गया. द करंट ड्रॉन इज आई, तो आई करंट निकल रहा है सिस्टम से. नाउ द एन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी, देन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बिकम्स 10 I, द वैल्यू ऑफ एन. तो हमारे पास आर रेजिस्टेंस वाले एन इक्वल रेजिस्टेंस है. सबसे पहले उनको हमने सीरीज में जोड़ा बैटरी के साथ तो आई करंट आ रहा था, फिर उनको पैरेलल में जोड़ा बैटरी के साथ तो 10 I करंट आ रहा था. तो हमने एन की वैल्यू बतानी है. तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम दो इक्वेशन बनाते हैं. आई इज इक्वल टू फर्स्ट केस वाली ई जो सेल की EMF थी, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी एन सेल्स की NR प्लस इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस R, बिकॉज ये सभी सीरीज में हैं तो इनको ऐड करेंगे. तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी. सेकंड केस था 10 I करंट था, EMF A की बैटरी थी
और ये जो सभी रेजिस्टेंस थी अब वो पैरलर में हो रही हैं, तो पैरलर में होने के कारण उनकी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंस क्या बन जाएगा, आर बाय एन प्लस इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ये दोनों तो आपस में सीरीज़ में जुड़े हैं तो इनको ऐड करेंगे डायरेक्टली आर बाय एन प्लस आर। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास। फिर हम सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 इज इक्वल टू दी ई अपॉन दिस वैल्यू अपॉन ई अपॉन दिस वैल्यू, ई से ई कैंसिल हो जाएगा और एन प्लस वन इंटू आर, वन अपॉन एन प्लस वन इंटू आर, आर से आर कैंसिल होगा और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, एन ऊपर आ जाएगा, एन इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, सो एन इज इक्वल टू 10 इज़ द आंसर आ जाएगा हमारे पास। 10 सेल्स, 10 जो होगी हमारे पास रेजिस्टर्स हो गए गिवन सिचुएशन में, तो आंसर इज थर्ड। देन नेक्स्ट, अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन ए प्लेन सरफेस ऑफ मटीरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडक्स म्यू एट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज़ फाउंड दैट द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस सिचुएशन। तो उन्होंने कहा है कि अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो एक सरफेस पे टकरा रही है, सरफेस पे टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे दैट मीन्स ये आई क्या होगा, पोलराइजिंग एंगल। पोलराइजिंग एंगल के वक्त जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, इसके जो वाइब्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वाइब्रेशंस हैं दैट आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड ये पोलराइज्ड लाइट बन जाती है, ये पोलराइज्ड लाइट रहती है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड लाइट व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट एट द पोलराइजिंग एंगल ऑन द इंटरफेस ऑफ द टू सरफेसेस टू मीडियम्स। तो ये पोलराइजिंग एंगल पे टकरा रही है, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड रे इज़ पोलराइज्ड रे विद इलेक्ट्रिक वेक्टर 90 डिग्री, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। सो इसका आंसर होगा रिफ्लेक्टेड लाइट इज़ पोलराइज्ड विद इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, सो टू इज़ इट्स आंसर। देन नेक्स्ट, ब्रिस्टर्स लॉ के अकॉर्डिंग म्यू इज इक्वल टू 10 आई होता है यहाँ पर, तो ये फोर्थ भी आंसर नहीं बनेगा बिकॉज आई इज इक्वल टू 10 वर्स ऑफ द म्यू बनना चाहिए था। इन यंग्स स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन डी बिटवीन द स्लिट्स इज 2 mm, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द लाइट यूज इज दिस वन एंड डिस्टेंस डी बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट्स इज 100 cm, इट इज़ फाउंड दैट द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस इज 0.20 degree, टू इंक्रीज द फ्रिंज एंगुलर विड्थ टू 0.21 degree विद द सेम लैम्डा एंड डी द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स नीड टू बी चेंज टू। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें स्लिट की सेपरेशन 2 mm फर्स्ट केस में दे रखी है और इसको ही हमने चेंज करना है, वेवलेंथ और डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट सेम है दोनों केसेस में। तो पहले केस में जो 2 mm जब स्लिट्स के बीच का डिफरेंस था, सोर्सेज के बीच का डिफरेंस था, तो तब एंगुलर विड्थ आ रही थी 0.20 degree, तो हमने अगर 0.21 degree बनानी है विद सेम लैम्डा एंड डी, वेवलेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट, तो सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेज कितना करना होगा ये पूछा गया है। तो एंगुलर विड्थ इज़ इक्वल टू दी लैम्डा बाय डी और सिंपल विड्थ, फ्रिंज विड्थ डी लैम्डा बाय डी होती है और एंगुलर विड्थ इज़ लैम्डा बाय डी। तो फर्स्ट केस की 0.20 इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 mm एंड 0.21 सेकंड केस की लैम्डा बाय डी जो हमने फाइंड आउट करनी है सेकंड केस की डी, तो हमने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर दी, 0.20 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.21 इंटू डी, तो यहाँ से डी को कैलकुलेट करेंगे, डी इज इक्वल टू 0.202 अपॉन 0.21, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1.9 mm।